एवरीवन, दिस इज शो विद अरमान। सपोज करो पिछले 3 महीने से तुम अपनी क्रश के ना इर्द गिर्द भटक रहे हो, पर उसको अपनी दिल की बात बताने से बहुत डर रहे हो। एक रात को तुम उठे कि यार बहुत हो चुका है यार, 3 महीने बीत चुके हैं, 10वीं खत्म होने को आई है, अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, कल तो मैं जाके प्रपोज करके आऊंगा। तो कैसे प्रपोज करोगे? सुन री प्रीति, तेरे लाइक करूं मैं, ये राजा मेरी नहीं आएगी तो साइड हो जा, लाइन लगी है तेरे भाई के लिए। ऐसे बोलोगे? दो लप्पड़ लगा के जाएगी। कैसे बोलोगे? पूरी रात बैठ के सोचोगे कि क्या बोलूंगा, किस तरह से मैं कपड़े पहन के जाऊंगा, कौन से जूते में पहन के जाऊंगा, कैसे मैं बाल बना के जाऊंगा, जिससे कि मैं उसको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं, अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं। समझ पा रहे हो? अरे तुम नहीं समझ पाओ, तुम सिंगल ही मरोगे। ध्यान से तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, तुम्हें ना पढ़ाई समझ में आती है। ये जो मैंने आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके लिए मैंने अलग अलग स्लाइड्स क्यों बनाई है, ये अलग अलग चीजें मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिख के बैठा हूं मैं पिछले 1 घंटे से। मेरा मन करता मैं उठाता एक व्हाइट बोर्ड, मैं कैमरा ऑन करता, अरे ठीक है बच्चों देखो प्रेजेंटेशन में ये लिख लेना, और क्या लिखोगे, चलो ये लिख लेना, और प्रेजेंटेशन में यह ध्यान रखना, और प्रेजेंटेशन में यह ध्यान रखना, कुछ भी, कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी बना के मैंने वीडियो बना दी। क्या तुम उस वीडियो को पसंद करोगे? क्या तुम फिर इस वीडियो को लाइक करोगे? क्या फिर तुम सब्सक्राइब करोगे चैनल को? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें वो समझ में ही नहीं आया। मेरे को दुनिया जहान की सारी नॉलेज है, मुझे सब आता है। कहां पे आता है? दिमाग में। तुम्हें तो नहीं दिख रहा मेरा दिमाग, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि सामने वाले को सब पता है? कैसे पता होगा? जब वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। एक कॉन्फिडेंशियल चीज बताता हूं, अपने बीच में रखना, ठीक है? मेरा अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज में ना, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, तो कॉलेज में ना हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, जिसमें कि हमें एक पीपीटी बना के ग्रुप में पीपीटी बनानी थी और आके वाइवा वगैरह देना था। मेरे को कुछ नहीं आता तो सब्जेक्ट में, मेरे ग्रुप वाले बंदों ने सारी पीपीटी बनाई, पर एंड में जब वाइवा का टाइम आया, जब पीपीटी प्रेजेंट करने का टाइम आया, तो तुम्हारा भाई सबसे आगे आ गया। मैंने कहा मैं प्रेजेंट करूंगा, और मैंने उसको इस तरह से प्रेजेंट करा कि सामने वाले टीचर को लगा यार इसको सब आता है। जिन लोगों ने पीपीटी बनाई थी उनको इतने नंबर नहीं मिले जितने मेरे को मिल गए। तो जितना आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ 30% नॉलेज है, तब भी आप उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि आप 70% कवर कर लोगे। एक बच्चा जो 95 लेके आ रहा है, एक बच्चा जो 97 लेके आ रहा है, एक बच्चा जो 99 लेके आ रहा है, इन तीनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। पॉइंट ये है कि उसको अच्छे से ये प्रेजेंट करके आया, टीचर को इसने खुश कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये जो फासला है इसको अगर हम दूर से समझ लें, अगर इस फासले को कवर करने के तरीके मैं आपको बता दूं, तो आप भी इस कैटेगरी में जा सकते हो। नहीं जा सकते? जा सकते हो। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, मैं आज की वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी से उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो एंड तक आके वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला कि एक ना जब आपके सामने आंसर सीट आएगी ना, तो आप एक लाइन इधर खींचना, एक मार्जिन इधर बनाना, इधर रबर करना, ये सब नहीं बताने वाला। ये सब बताऊंगा मैं बिल्कुल आखिरी दिन, जब आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले वीडियो आ जाती है, हर साल आती है, सीनियर्स के लिए भी आई थी, आपके आपके लिए भी आ जाएगी। अभी मैं वो चीजें बताऊंगा जिसकी आप आदत बनाना सीख लो, क्योंकि ये चीजें जो होंगी ना, ये एंड में इंप्लीमेंट करनी बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है मेरी बात? वो सारी चीजें आज मैं बता रहा हूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको पता हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपसे बस एक गुजारिश है कि पहला पूरी वीडियो देख लेना ध्यान से, चाहे 2.2x पे देखो, 1.5x पे देखो। दूसरा एक कोरा पन्ना लेके ना, जो भी चीजें मेरे दिमाग में आ रही और मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना मेरी जान। नोट डाउन कर लोगे तो आपको याद रहेंगी, और आप उसको अब से इंप्लीमेंट करोगे तो आप शायद इस कैटेगरी में आ जाओ, और इस कैटेगरी में अगर आ गए तो हमारे चैनल पर आपका इंटरव्यू होगा, और बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, ध्यान से सुनते रहना। एक चीज दिमाग में रख के आपको पेपर लिखना है कि आपका जो चेक करने वाला टीचर है वो 5वीं कक्षा का बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको 2+2=4 भी नहीं पता। आपको सब बताना है। आप सोचो अरे भैया उसको पता होगा यार, a+b = a+b² + b² = 2ab, उसको नहीं पता। ऐसा नहीं सोचना कि उसको तो पता ही होगा, अरे भैया ये छोटी छोटी चीजें कोई लिखूंगा क्या पता, ये तो टीचर को पता ही होगा, ऐसा मत सोचना। सब लिखना है आपको। वो एक बच्चा है, जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे होते ना कि देख बेटा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम सोचते हैं यार इतना भी नहीं पता। सब बताना है, सब बताना है। तो आप जो पेपर लिख रहे होगे वो ऐसे लिखोगे कि आपका सामने वाला चेक करने वाला एक बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको सब बताना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जो सीक्वेंस का एक्सपेरिमेंट है वो आप अभी से शुरू कर दो। क्या इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया पेपर को सेक्शन ए से शुरू करें, सेक्शन बी से शुरू करें, सेक्शन सी से शुरू करें, या ए पहले बी करें, पहले सी करें, या पहले डी से शुरू करें। ये सारी चीजें ना अपने आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, ये हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे?
आज से जब आप भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसको इस तरह से सॉल्व करो कि मान लो भाई मैं मैथ्स के ना, मेरे दिमाग में है, मेरा टारगेट है कि मैं मैथ्स के ना 3 पेपर सॉल्व करूंगा। पहला पेपर मैं ऐसा करता हूं, सेक्शन डी से शुरू करता हूं, फिर मैं सी करूंगा, फिर मैं बी करूंगा, फिर मैं ए करूंगा। एक पेपर मान लो मैं ऐसे शुरू करता हूं सी से, फिर उसके बाद मैं डी करूंगा, फिर मैं बी करूंगा, फिर मैं ए करूंगा। या भैया मैं ऐसा करता हूं, सीक्वेंस वाइज ही चलता हूं, ए बी और सी और डी। जब आप इस तरह से 3 पेपर करोगे टाइम लिमिट लगा के, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा चीज बेस्ट सूट करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से करो, ऐसे आपने मैथ्स के लिए करा, ऐसे आप साइंस के लिए करोगे, ऐसे आप एसएसटी के लिए करोगे, ऐसे आप इंग्लिश के लिए करोगे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने आप करो। आपको जाके रणभूमि में यह दिमाग में नहीं आना चाहिए कि म्यान में से तलवार कैसे निकलती है, ये रणभूमि में नहीं सोचना होता। ये अभी से प्रैक्टिस करो, ये अभी से एक्सपेरिमेंट करो। जितने आपको हाथ पैर घुमाने हैं, जितने हाथ पैर लगाने हैं, अभी लगाओ, जिससे कि एग्जाम में जाके आप ये ना सोचो कि यार बी से शुरू करूं, ए से शुरू करूं, या साइड वाला दोस्त तो डी से कर रहा है, डी से शुरू कर लेता हूं। नहीं, आपको कौन सा सूट बैठता है, वो जो साइड वाला दोस्त है ना, उसने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं पहले से ही, आप अभी से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। जो जब भी आप आपसे कोई सैंपल पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो कि यार जब मैं ऐसे कर रहा था ना, तब मैं कम टाइम में ज्यादा सवाल कर पा रहा था, तब मैं अच्छे से हर चीज समझ पा रहा था, तब मेरे दिमाग में हड़बड़ी नहीं थी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से करो। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट कि सीक्वेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी से आपको करना शुरू कर देना है। अब आते हैं दूसरी चीज। भैया क्या राइटिंग एग्जाम में मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। भैया मैंने तो सुना था कि जो राइटिंग है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करती। 10वीं में मेरा एक दोस्त था शुभम शर्मा नाम का, शायद देख रहा हो वीडियो, इतनी भद्दी राइटिंग, मेरे भाई सच बता रहा हूं बच्चों, इतनी भद्दी राइटिंग। क्लास का टॉपर, ठीक है, तुम्हारे भाई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सब आता था उसे, सब कर देता था, पर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, आपकी राइटिंग चाहे गंदी हो, पर उसमें अगर आप कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं वो कर दोगे, तो आपकी राइटिंग का 1% मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्या चीज? सबसे पहली चीज भाई, राइटिंग ऐसी हो कि वो रीडेबल हो। ये ना हो कि आपने इतनी गंदी लिख दी कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा अक्षर लिख रखा है। तो पहली चीज है रीडेबल हो। ऐसी कोई सजानी नहीं है हमें कि हमें हम भैया कल 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है, हम ऐसा करते हैं नर्सरी की जो कर्सिव राइटिंग वाली बुक है उसको उठा के हाथ से सॉल्व करना चालू कर, ये काम नहीं करने मेरी जान। इतनी राइटिंग होनी चाहिए, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो रीडेबल हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक लाइन में आपके 7 से 8 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा भी अच्छे नहीं रहते। ये नहीं कि हमने बिछा बिछा के छोटे छोटे वर्ड लिख दिए, हमें लिखना था 100 वर्ड का आंसर, हमने 2 लाइन में 100 वर्ड कर दिए, 2 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में 100 वर्ड कर दिए। ये नहीं करना हमें, और ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि भाई हमने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया भैया कि हम तो 1 लाइन में 2 ही लेटर लिख रहे हैं, 2 ही वर्ड लिख रहे हैं, इतना भी नहीं करना। बीच में रखो कि भाई हम 7 से 8 वर्ड जो है वो 1 लाइन में अपना कवर कर रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, इस तरह से इतना बड़े बड़े वर्ड्स अभी से लिखना शुरू कर दो, जिससे कि हम इस लेवल तक पहुंच जाएं एग्जाम के टाइम तक। ये मैं एग्जाम से 1 दिन पहले बताता तो कैसे कर लेते, उस समय पढ़ रहे होते ये कर रहे होते, पढ़ रहे होते ना। तो इसलिए अभी से जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरह से करो। दूसरी चीज हो गई थी। तीसरी चीज, जो भी चीज आपको पूरे सवाल में अच्छी लग रही है, जो भी चीज आपको पूरे सवाल में इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर देना। ये भैया ये तो मैं एग्जाम के टाइम पे करूंगा, एग्जाम के टाइम पे याद ही नहीं रहेगा। आप अभी लिख रहे हो ना, अब अभी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, साथ साथ में आपने 1 लाइन लिखी, आपने 1 पॉइंट लिखा, आपको लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो ये अभी से आदत बनाना शुरू कर देना है हमें। चौथी चीज, भैया जो हमारी कटिंग होनी चाहिए ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरे पेज में कटिंग ही हाईलाइट हो रही है, हमने इतना ज्यादा रगड़ दिया कि वो पेज ही फट गया, दूसरा पेज नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है जी। तो कटिंग बस ऐसी होनी चाहिए कि ये समझ लो पूरे पेज में अगर कहीं कटिंग हो रही हो ना, तो अलग से हाईलाइट ही ना, वो अलग से दिखे ही ना, ऐसे कटिंग करनी है। सिंपल, बस 1 लाइन मार दो मेरी जान, हो गई कटिंग। बस ये नहीं कि बैठ के भैया 1 घंटे तक ये कर रहे हैं, हमने भैया व्हाइटनर ले रखा है, हम व्हाइटनर से साफ कर रहे हैं, इतनी नहीं करना यार। सजावट के नंबर नहीं मिल रहे हैं, नॉलेज का नंबर मिल रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ये हो गई आपकी चौथी चीज। जो पांचवी चीज है वो मैंने आपको शुरू में बताई है अभी, कि जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, जो भी आप थ्योरम यूज कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, वो एक ब्रैकेट में लिख देना मेरी जान, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि आप क्या यूज कर रहे हो, उसके वो नंबर देगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो वहां पर वो नंबर काट लेगा। ये मत सोचना कि उसको तो पता ही होगा, ठीक है? समझ में आ गई? ये हैबिट अभी से बनानी शुरू कर दो।
जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप उसमें देख रहे हो ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया कि हेयर वी पुट दिस फॉर्मूला या कुछ नहीं, बिकॉज ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस, बस इस तरह से लिख दो। वो बिकॉज वाला होता है ना, इस तरह से हम ऐसे ब्रैकेट में जाके तीन ऐसे बना देते हैं और लिख देते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो इतना है। समझ में आई मेरी बात? जहां पे भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इस तरह से हम ब्रैकेट लगाएंगे, जहां पे भी कोई थ्योरम यूज हो रही है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, हो सके तो ब्रैकेट में पूरी थ्योरम ही लिख दो अगर याद है लाइन बाय लाइन, ठीक है। जितना हम टीचर को ये बताएंगे कि हमें सब आता है उतने ज्यादा वो आपका नंबर फेंक के देगा, ठीक है जी। ये बात हो गई, हमें समझ में आ गई। अगली चीज, आंसर लिखने के दो तरीके। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे होते हैं, जब भी आप कोई सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे होते हो, या तो आप उसको पॉइंट में लिखोगे, भाई आपने पॉइंट्स में आंसर लिखे, जैसे कि आप सोशल साइंस में लिख रहे होते हो बहुत कॉमन है, या फिर आप पैराग्राफ में आंसर लिख रहे होगे जैसे कि आप इंग्लिश वगैरह में लिखते हो। अब इन दोनों चीजों में कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनो मेरी जान। अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो आंसर को, ठीक है, अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो आंसर को, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट लिखने हैं, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मेरी जान मिनिमम 4 पॉइंट लिखने हैं, और अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 7 पॉइंट लिखने हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, इतने तो आपको लिखने ही हैं, जितने भी हैं उससे 1 पॉइंट ज्यादा आपको मिनिमम लिखना है। ये पहली चीज हो गई। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। भैया कई बार ऐसा होता है आप बोल रहे हो 4 पॉइंट लिखने हैं पर हमें तो 4 पॉइंट याद ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही याद है। कोई बात नहीं, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी पता है ना वो भी चेप देना उसमें। भैया कैसे चेपे? आपको 3 पॉइंट पता है ना, कोशिश करना जब भी मान लो आप कोई आंसर लिख रहे हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और यहाँ पे आया 4th पॉइंट, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करना कि शुरू के पहले और दूसरे पॉइंट में सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली जाए, जिससे कि जब टीचर पहला और दूसरा पॉइंट चेक कर रहा है उसे पता चल जाए कि इस बच्चे को सब आता है। फिर आपको मान लो तीसरा और 4th पॉइंट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी उधर उधर का पता हुआ है तो उसको यहां पे राम कथा में लिख दो। पर इंपॉर्टेंट वाले जो है, ये नहीं कि ये राम कथा वाले पॉइंट आपने ऊपर लिख दिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप आखिरी में लिख रहे हो, ऐसे ना। समझ गए? ये हो गई आपके पॉइंट वाइज वाले क्वेश्चंस की बात। अगर हम बात करें अब आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस की बात, तो पैराग्राफ में आप जब भी लिखोगे, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको पैराग्राफ में लिखना है, तो दिमाग में एक चीज बन जानी चाहिए कि जो पहला वाला पैराग्राफ होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा और 3 पैराग्राफ में हम इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। जो पहला पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो आपका मिड वाला पैराग्राफ होगा ये होगा आपका मेन कंटेंट या फिर बॉडी वाला पैराग्राफ जिसमें सारा मेन चीजें होंगी, और जो लास्ट वाला होगा वो होगा आपका कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। समझे? जब भी आपके सामने पैराग्राफ वाला आंसर आ जाए, जब भी आपको लगे कि पैराग्राफ इसमें यूज करना है, ये पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए, ये लाइन याद कर लो, जब भी आपके सामने पैराग्राफ वाला आंसर आ जाए ये पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए। कैसे लिखना है? मान लो इंग्लिश का सवाल है तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे? इंट्रो में लिख दोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से है, ये चैप्टर का ये ऑथर था, इस तरह से करके आपने इंट्रो वाला लिख दिया। आपके मान लो दूसरे किसी सब्जेक्ट का साइंस वगैरह का है तो आपने लिख दिया, जो क्वेश्चन से उठा के हम डायरेक्ट लाइन नहीं चेप देते कि फीचर्स ऑफ दिस इज दिस, इस तरह से लिखते हैं, तो ये इंट्रो वाली लाइन हो गई। फिर हम करते हैं मेन पॉइंट, मेन वाले बॉडी की शुरुआत। इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है वो उठा के हम इस वाले पार्ट में लिख देंगे, इस वाले पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन लिख देंगे। समझ गए मेरी बात? अब आते हैं हम कंक्लूजन वाली चीज में। कंक्लूजन वाले में लिख देंगे कि भाई जो क्वेश्चन में लिखा था उसी के लिख देंगे कि हेंस दिस इज दिस, ठीक है। समझ रहे हो कि क्वेश्चन में रखा है कि जस्टिफाई द कैरेक्टर ऑफ दिस, तो हम लिख देंगे हेंस द कैरेक्टर इज जस्टिफाइड, हेंस द प्लॉट इज जस्टिफाइड। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन वाले पार्ट को लिख दिया। इस फॉर्मेट में आपको पैराग्राफ वाले आंसर लिखने होते हैं। समझ गए? कोई बड़ी ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सिंपल बातें बताई हैं। पॉइंट वाले में हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर हो, इतने इतने पॉइंट्स, अगर जितने मार्क्स है उसके हिसाब से इतने पॉइंट होने चाहिए। पैराग्राफ वाला आते ही हमारे दिमाग में ये वाला पूरा चार्ट छप जाना चाहिए। ये आगे हमारे आंसर्स को लिखने की बात। अब अगर हम आगे की बात करें, आगे हमने बात करी है टाइम मैनेजमेंट की, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है समझो, कितने कितने घंटे का आपका पेपर होता है? 3 घंटे का? बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हो। हमारे लिए तो भैया 2 घंटे 40 मिनट का ही पेपर है। हम तो दिमाग में इतना ही बैठ के सॉल्व करेंगे जितने भी हम क्वेश्चन पेपर, जितने भी हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए? आखिर के जो 20 मिनट है आपके, वो आपके रिविजन के लिए, ठीक है।
तो जब भी आप टाइमर लगा रहे हो, जब भी आप टाइमर लगा के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो टाइमर लगना चाहिए 2 घंटा 40 मिनट का, 3 घंटे का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। इससे क्या होगा कि आप एक पेपर लगाओगे, शायद वो एक पेपर, पहला पेपर आप लगाने जा रहे हो जिंदगी का, आपने शायद 3 घंटे 20 मिनट में खत्म करा। आप दूसरा पेपर लगाने गए, आपने 3 घंटे 15 मिनट में कवर करा। आपने तीसरा पेपर लगाया, आपने 3 घंटे 10 मिनट में कवर करा। चौथा पेपर लगाया, आपने 3 घंटे में कवर कर लिया। आपने पांचवा लगाया, आपको 2 घंटे 55 मिनट लगे। आपने छठवा लगाया, आपको 2 घंटे 50 मिनट लगे। आपने सातवा लगाया, आपको 2 घंटे 30 मिनट में हो गया। ये है बात, इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? इसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा आप पेपर लगाओगे, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आप इस वर्ड को सीख पाओगे, टाइम मैनेजमेंट को। जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, दम लगा दो। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, एक बात और जो मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। भैया एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, मान लिया आपने कोई सैंपल पेपर सॉल्व करा, आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर दिया, आपने 2 घंटे 40 मिनट का टाइमर लगाया था, आपने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद अब आपको सामने सारे आंसर आ चुके हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो आपको आने चाहिए थे और आपसे नहीं हुए, पहली चीज, आपसे बिल्कुल नहीं हुए, आते ही नहीं थे वो वाले, और तीसरे कि आपको वहां पे सिल्ली मिस्टेक हो गई। इन तीनों सवाल के कौन कौन से टॉपिक थे, चैप्टर नहीं, टॉपिक, टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कि भैया क्वाड्रिलेटरल का सवाल था, क्वाड्रिलेटरल तो आपको शायद बहुत सारी आती है, आपको शायद नेचर ऑफ रूट का सवाल था, वो नहीं आया। तो यहां पे आप टॉपिक लिखोगे वो सवाल के जो जो आपसे गलत हुए, जहां पे आपको नंबर नहीं मिले, और उन टॉपिक को उठा के रिवाइज करो, बस उन टॉपिक को रिवाइज करो। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरा चैप्टर उठाया और हमने रिवीजन करना शुरू कर दिया कि चलो यार पहला टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये था। यार रिवीजन में आपको तो शायद उसका 70% सिलेबस आता ही हो, शायद 70% आपको चैप्टर आते ही हो, आपको 30% नहीं आता। वो 30% कहां से पता चलेगा? जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिससे जितने ज्यादा सैंपल पेपर लगाओगे, जो सवाल नहीं हो रहे उसको जितना ज्यादा एनालाइज करोगे, उस पर और ज्यादा वर्क करोगे, अच्छा फोड़ के आओगे। समझ गए मेरी बात? ये होते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको अभी से आदत में बनानी शुरू करनी है। और छोटी छोटी जो चीजें होंगी जो आपको काम आएंगी, वो मैं आपके एग्जाम के टाइम से पहले बता दूंगा, एक दिन पहले। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, उस समय वीडियो आ रही होगी। बस सिंपल सा एक काम होता है मेरी जान, ठीक है, ये तो ये हमारा 11th 12th वाला चैनल है, जो आपका मेन वाला चैनल है, जो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस चैनल को बस है ना सब्सक्राइब करके और आप ऑल कर देना। ठीक है, यहाँ पे गाना चलना शुरू हो गया, तो आपको बस ये सब्सक्राइब करके घंटा दबाना है। ठीक है जी, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं जल्दी, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो, जो भी आपके दिमाग में चीजें हो वो मेरे को बताओ, हम उसके लिए वीडियो ला रहे होंगे। तो भाई टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, फोड़ो, कहर मचाओ, बाय, जाओ पढ़ लो।